सो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ जुपिटर नोटबुक। बहुत ही बेसिक वाला, मतलब कितना, मतलब क्या क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही काफ़ी बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ। बिकॉज मैं जो वीडियो डालूंगा और पाइथन ट्यूटोरियल्स पे, पाइथन 3 के ट्यूटोरियल्स पे, वो सारी मेनली जुपिटर नोटबुक पे होगी। बिकॉज जुपिटर नोटबुक पे काम करना और चीज़ें सिखाना और सीखना पाइथन में काफ़ी आसान है। तो तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक तो आइडिया होना ही चाहिए कैसे चलाना है, कैसे काम करना है, ठीक है? वो नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो, इसको पहले तो इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल है, अब इंस्टॉल करना क्या है तुम्हें, एनाकोंडा इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? एनाकोंडा अगर तुमने इंस्टॉल करा है तब तो ठीक है, फिर सर्च बार में जाओ, जुपिटर सर्च मारो तो जुपिटर नोटबुक आ जाएगा, इसको ओपन कर लो। और तुमने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो जाओ मेरे चैनल पर, देखो एनाकोंडा इंस्टॉलेशन वीडियो है। अगर तुम्हें नहीं आती है एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल करनी है तो उसमें देख लो, अगर आता है तो जाके पहले एनाकोंडा एनवायरनमेंट इंस्टॉल कर लो। तो देखो भाई, अब ये खुल चुका है जुपिटर नोटबुक। तो ये क्या होता है, तुम्हारे ब्राउज़र पे ही खुलता है, ठीक है? ये एक टाइप फालतू खुल रखा है, चलो। हाँ, तो तुम जब जुपिटर नोटबुक करके एंटर दबाओगे तो ये तुम्हारे ब्राउज़र पर ही खुलेगा, जो भी तुम्हारा डिफॉल्ट ब्राउज़र होगा। अब जैसे मेरा क्रोम है तो मेरा क्रोम पर खुल गया, तुम्हारा फायरफॉक्स होगा, जो भी होगा, इंटरनेट एक्सप्लोर तो होगा नहीं, तो जो भी होगा उस पर खुल जाएगा, ठीक है? तो अभी तुम्हें क्या करना है, ये सब पे तो ध्यान नहीं देना इतना, ठीक है? यहाँ देखो, न्यू जो दिखा रहा है फाइल, हमें न्यू फाइल खोलने के लिए हमें इस न्यू पे जाना पड़ता है। तो टेक्स्ट फाइल नहीं खोलनी हमें, ना फोल्डर खोलना है, ना टर्मिनल खोलना है, ठीक है? हमें पाइथन 3 की नोटबुक खोलनी है, क्योंकि हमारा जो मोस्टली काम होगा वो पाइथन 3 की नोटबुक पर ही होगा। तो मैं अभी दिखा देता हूँ बेसिक बेसिक चीज़ें कि कैसे में क्या क्या होता है, और जुपिटर नोटबुक हम क्यों यूज़ करते हैं, और नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर से इसमें क्या अलग है, और नॉर्मल IDE से क्या अलग है। देखो, IDE, पहले तो ये बता देता हूँ IDE और जुपिटर नोटबुक में डिफरेंस क्या है। IDE या टेक्स्ट एडिटर के किस लिए काम होते हैं। IDE जो इसलिए यूज होता है कि उसमें तुम प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है? अगर तुम्हें कोई जैसे पाइथन का या सी का या जिसका भी प्रोग्राम बनाना है, वो तुम किस पे बनाओगे, या तो अपने टेक्स्ट एडिटर पे बनाओगे, अपने फेवरेट जिस पे भी तुम बनाते हो, या तो नोटपैड भी हो सकता है वो, या फिर तुम अपने उस पे बनाओगे किसी IDE पे। IDE क्या होती है, IDE होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब ये एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर खुद ही कंपाइलर जो भी चीज़ें डिबगिंग के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है ना, सारी वो उसमें होती है ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में। तुम्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे IDE डालो, कोड लिखो, वहाँ पर रन का बटन होगा, वो पे क्लिक कर दो, तो अपना कोड अपने आप रन हो जाएगा। अब जुपिटर नोटबुक में अलग क्या है, देखो अलग क्या है इसमें कि ये नॉर्मली क्या होता है, इसमें तुम लोग अपना प्रोग्राम नहीं लिखते हो। इसमें क्या करते हो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं। अब देखो, एंटर शिफ्ट एंटर करके देखो, अलग अलग सेल्स आ गए ना इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पाइथन सीख रहे होते हैं या फिर पाइथन का कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं, आप जैसे उनको चेक करना है कि जैसे उन्होंने लिखा है एक पेज का प्रोग्राम लिख दिया तुमने, अब तुम्हें चेक करना है बीच की दो लाइन इनका जो आउटपुट है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तुम लोग बाकी जो प्रोग्राम है उसको या कमेंट थोड़ी करोगे, दोगे कि चलो इनको कमेंट कर देते हैं फिर इसको रन करके देखते हैं, या फिर अलग से कोई आईडी में या फिर टेक्स्ट एडिटर में पेज खोलोगे इसे करने के लिए, और सिर्फ दो लाइन लिखने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा था ना। तो या तो तुम जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर तुम अपना एक कितने भी लाइन का कोड लिख दो और चेक कर लो कि वो एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। अब जैसे मैंने मेरा नाम क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ मेरा नाम लिख दिया प्रिंट। यहाँ आप देखो, ऐसे प्रिंट होता है, और इसका पाइथन का जो सिंटैक्स होता है प्रिंट वाला ऐसा होता है, ठीक है? तो इसमें या तो तुम जाओ, यहाँ पे रन का दिख रहा है ये बटन, इस पर कर दो तो ये आउटपुट दे देगा साथ के साथ ही, ठीक है? जुपिटर नोटबुक इसलिए होता है कि तुम लोग छोटा छोटा अपना कोड का जो पार्ट है जिसको जो जिसका तुम्हें आउटपुट देखना है वो डालो, और वो तुम्हें साथ के साथ आउटपुट दिखा देगा। अब तुम इसको एक दूसरे तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, या तो तुम इसको रन दबाओ या फिर शिफ्ट दबा के एंटर दबाना तो फिर दिखा देगा, ठीक है? अब ये I1 से I2 हो गया, चलो इस पर ध्यान मत देना। तो फिर मैं क्या बता रहा था, ये डिफरेंस होता है बस। और जैसे कि और एक ये डिफरेंस होता है कि अगर तुम मान लो स्पाइडर IDE है, एनाकोंडा में मिलती है हमें, उस पर तुम प्रोग्राम बनाओगे, ठीक है? अभी हमारी फ्यूचर वीडियोज आएंगी, अगर स्पाइडर पर कोई प्रोग्राम होगा तो मैं बना के दिखा दूंगा। अभी स्पाइडर की बात नहीं कर रहे, अब हम भी बात कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक की। तो उस पर जब तू अगर तुम प्रोग्राम बनाओगे स्पाइडर IDE पे, और फिर उसके बाद कोई अगर तुम उसको सेव करोगे तो वो सेव होती है .py फाइल में, पाइथन की जो फाइल होती है प्रोग्राम की, कोड की,
वो .py यानी .py फाइल में सेव होती है। अब जैसे सी सी में .c या फिर C++ में .cpp में सेव होती है, वैसे पाइथन में .py में होती है, लेकिन जुपिटर नोटबुक में होती है वो .ipynb पे। ये .ipynb का फुल फॉर्म क्या हो गया? कुछ नहीं, बस आई पाइथन नोटबुक ये होती है बस। अब क्योंकि ये डिफरेंट होता है भाई, ये प्रोग्राम प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ नहीं करते बंदे, ये नॉर्मली लर्न करने के लिए, खुद को सिखाने के लिए, या फिर आप खुद के लिए नोट्स बनाने के लिए, विजुलाइज करने के लिए डेटा को, कुछ ग्राफ व्राफ दिखाने के लिए, इन सब के लिए यूज़ होता है। आप खुद के लिए नोट्स कैसे बना सकते हो इसमें? अब मान लो कि तुमने कोई कोड लिखा है यहाँ पे, मान लो तुमने कोई बड़ा कोड लिख दिया, इफ एल्स दिस, जो कोई फंक्शन बना दिया यहाँ पर, ठीक है? अभी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ उस पर ध्यान मत दो। अब मान लो तुमने ये बहुत खतरनाक कोड लिख दिया, ठीक है, तुमने खुद से बनाया है, तो या फिर तुम्हें याद रखना है कि ये बहुत खतरनाक कोड है, तुम्हें सही से याद नहीं रहता ये, और तुम कल को आओगे फिर देखोगे, तो फिर तुम्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा ये कोड किस लिए था, क्या हो रहा है इससे एक बार, और तुम्हें समझ नहीं आएगा, और तुम चाह रहे हो कि तुम इसके लिए खुद से कोई नोट छोड़ दो, कुछ ऐसा नोट छोड़ दो जिसको देखते ही तुम्हें समझ आ जाए कि ये कोड किस लिए था और ये कैसे वर्क कर रहा है। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो इसमें। अब जैसे ये कोड के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स इसको कहते हैं हम, तो ये कोड के लिए सेल है अभी, तो इसको तुम्हें टेक्स्ट के लिए चेंज करना पड़ेगा अगर तुम्हें कोई नोट डालना है इसमें कोड की जगह। तो यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ कोड लिखा है, यहाँ पे मार्क डाउन कर दो। फिर यहाँ पे अब जैसे कि मैंने कोड लिखा है, तो मान लो ना कोई कोड लिखा है, अभी मैंने कुछ भी लिख दिया वैसे, हाँ, तो मान लो तुमने कोई कोड लिखा है यहाँ पे खतरनाक सा, अब तुम्हें इसके बारे में लिखना है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कोड फॉर समथिंग खतरनाक। फिर उसके बाद तुम इसको शिफ्ट एंटर दबा देना, शिफ्ट होल्ड करके फिर एंटर दबा देना, तो यह ऐसा हो जाएगा। देखो कितना सही लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे इसके बारे में टेक, यहाँ मतलब यहाँ पे एक तरह से मान लो हेडिंग है, फिर नीचे कोड है, ऐसे करके तुम अपने नोट्स बना सकते हो, या तो तुम ऐसे करके यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि तुमने इसको यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, आपने कोई क्यू डाल के क्वेश्चन लिख दिया, फिर उसके बाद आंसर के जगह पे यहाँ पे कोड लिख दिया। तो मतलब खुद के लिए, खुद को सिखाने के लिए, खुद के लिए, खुद को याद दिलाने के लिए, खुद के लिए नोट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है जुपिटर नोटबुक। तो बस यही बेसिक्स थे इसके, और ज़्यादा कुछ सीखने के लायक है नहीं इसमें, क्योंकि अब खुद ही सेव हो जाता है। अब तुम्हें देखो रीनेम करना है, तो सिर्फ ये अनटाइटल्ड दिख रहा है यहाँ पे, इस पर जाना, जो भी नाम देना है दे देना, जैसे मैं दे देता हूँ इसको खतरनाक कोड, स्पेस नहीं देना, ऐसे खतरनाक कोड डाल देता हूँ, चल ये रीनेम हो गया। अब ये नोटबुक इस टाइप से सेव, इस नेम से सेव हो जाएगी। अब जब भी तुम जुपिटर नोटबुक खोलोगे, यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे तुम्हें खतरनाक कोड .ipynb जो फाइल होती है वो मिल जाएगी, यहाँ से इस पर क्लिक कर देना, वो वही नोटबुक खुल जाएगी, ठीक है? तो कितना सही है तुम्हारे नोट्स बनाने के लिए। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, जो मेरे जो फ्यूचर का वीडियो आएंगे, मतलब फ्यूचर ट्यूटोरियल्स वीडियो आएंगे, उसमें तुम्हें शायद दिख जाए कभी कभी ऐसा हो रहा हो इसमें जुपिटर नोटबुक में एरर वगैरह। तो क्या होता है, जैसे कभी तुम ऐसा कुछ कोड लिख देते हो ना, वो इंटरप्रेट नहीं हो पाता। अब जैसे पाइथन तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना, तो वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता वो कोडिंग में, या फिर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, तो वो रन ही करता रह जाता है फिर यहाँ पे। तो तुम्हें क्या करना पड़ता है ना, फिर तुम आगे का कोड्स भी नहीं लिख सकते, क्योंकि वो अभी तक एग्जीक्यूट, एक चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो तुम दूसरी नहीं कर पाओगे। तो तुम अगर ऐसा कभी कुछ हो कि वो इनफाइनाइटली चलते रहे और वो एग्जीक्यूट हो ना, तो ऐसे जाना कर्नल, जहाँ पे दिख रहा है कर्नल पे, उसको इंटरप्ट कर देना, ठीक है? तो जो एग्जीक्यूशन हो रही होगी वो इंटरप्ट हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना, मुझे समझ नहीं आता कि इंटरप्ट दे रखा है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इंटरप्ट पे दबाओ ना, तो बहुत टाइम लेता है इंटरप्ट करने में। हाँ, तो फिर क्या करना, मैं क्या करता हूँ, सीधे जाना कर्नल पे, रीस्टार्ट कर देना, ठीक है? इससे क्या होगा ना, लेकिन इससे दिक्कत क्या होगी, दिक्कत इतनी कुछ खास नहीं है, पर रीस्टार्ट हो जाएगा कर्नल एक तरह से, फिर वो जो एग्जीक्यूशन में वो अटका हुआ था वो हट जाएगा, फिर तुम फिर से कोड लिख के फिर से एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ये सब अगर तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है, तो आगे जो फ्यूचर की वीडियोज आएंगी उसमें प्रैक्टिकल होगा, मतलब प्रैक्टिकली कभी ऐसा एरर आएगा तो तुम देख लेना। अभी मैं बस बता रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया रहे कि अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो तो तुम्हें क्या करना है। तो देखो अब दिक्कत क्या है, अगर तुमने रीस्टार्ट मार दिया, तो अभी एक एग्जाम्पल से करके दिखा देता हूँ। देखो ए इज इक्वल टू डाल दिया मैंने 23, ठीक है, और बी इज इक्वल टू डाल दिया मैंने 20 डाल दिया, 1 डाल दिया, शिफ्ट एंटर दबा दिया, ठीक है? तो वैल्यूज दे दी मैंने ए और बी को। अब मैं ए डाल के
शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, मतलब रन करूंगा, तो ये मेरे को आउटपुट में 23 दिखाएगा कि ए की वैल्यू 23 है, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, बी का भी दिखाया था एक बार, बी का 1 दिखाएगा क्योंकि बी को 1 दिया है मैंने। तो अगर मैं जाता हूँ कर्नल और मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, चलो मैं कर्नल रिस्टार्ट कर दिया, मैं फिर से जागता हूँ यहाँ पे और ए पे फिर शिफ्ट एंटर दबा के देखता हूँ कि ए में क्या वैल्यू है, तो फिर हम मुझे देखो हमें ये एरर दिखा रहा है। अभी हमें एरर क्यों दिखा रहा है, तो एरर जो दिखाते हैं ना, एरर में ये सही होता है कि उसमें एरर की वजह भी दिखाए थे। तो नेम एरर है, देखो नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने कर्नल जो है रिस्टार्ट किया है, तो ये सारे जो हमने कोड्स लिखे थे ना, ये कोड यहाँ तो दिख रहे हैं लेकिन ये जो सेव थे वो कुछ सेव नहीं है, मतलब कि अब एग्जीक्यूट जो हमने किया था, जो इन मेमोरी ब्लॉक में सेव हो जाते हैं वैल्यू, अब वो सब सेव नहीं है इसमें। तो हमें एक बार फिर से ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा शिफ्ट एंटर दबा के, फिर उसके बाद एक बार रन कर दिया हमने, अब मैं ए की वैल्यू फिर से डालूंगा तो फिर से आउटपुट 23 दिखाएगा। तो बस यही था बेसिक आपको बताने लायक, अब और कुछ है नहीं इसमें बताने लायक, बिकॉज देखो बाकी चीज़ें भी है, अब सारे इंग्लिश में ही है तो उनको आराम से समझ आ जाएगा वैसे, लेकिन जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं मेरी ट्यूटोरियल्स की वीडियो में, वो मेनली इतनी ही है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा यूज़ होगा तो जब ट्यूटोरियल की जो वीडियो होगी, मतलब जो फ्यूचर की वीडियो होगी, उसमें तुम खुद ब खुद सीख जाओगे, बिकॉज मैं करके दिखाऊंगा ना, तो मैं तो सीख ही जाओगे प्रैक्टिकल में। हाँ तो बस भाई लोग, यही था बेसिक ऑफ जुपिटर नोटबुक, काफ़ी अच्छी चीज़ है, एनाकोंडा इंस्टॉल करना कर लेना, और नहीं पता है कैसे इंस्टॉल करना है तो मेरी ही वीडियो एक मैंने डाल रखी है, उस पर जाना, उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है डाउनलोड का, वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। तो बस भाई लोग बोल रहा हूँ, मतलब जो भी देख रहा है, क्योंकि लड़कियाँ भी लड़कियाँ हो सकती है, तो बस स्टूडेंट्स, मैं भी स्टूडेंट ही यार, तो टीचर वीचर नहीं, दोस्ती मान लो, बस दोस्तों दोस्तों बोलना सही है। तो बस दोस्तों यही थी आज की बेसिक ऑफ जुपिटर नोटबुक, तो हैप्पी लर्निंग। तुम्हें वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और सबसे पहले मेरी जो ट्यूटोरियल्स की आने वाली है, पाइथन का पूरा कोर्स आने वाला है, वीडियोस आने वाली है, तो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो। प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा, मैं ऐड करता रहूँगा जैसे जैसे वीडियो बना रहा हूँ, वो बिल्कुल हिंदी में, बिल्कुल ढिंचाक हिंदी होगी बिल्कुल ही, तो तुम्हें समझ आ जाएगा, टेंशन मतलब ना लेना, क्योंकि अब देखो यूट्यूब पे तो काफ़ी वीडियोस हैं, यहाँ पे थोड़ी ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ यहाँ से जुपिटर से, लेकिन मैं बता देता हूँ, अब देखो यूट्यूब पे तो काफ़ी वीडियोस में, मतलब काफ़ी ट्यूटोरियल्स, काफ़ी वीडियो वगैरह 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 हैं, लेकिन सारे ना जो मैंने देखी है पाइथन की ट्यूटोरियल्स की, मोस्टली इंग्लिश में मिलती है, तो इंग्लिश सबको नहीं आती है। देखो इंग्लिश जो थी ना, अंग्रेजी, मतलब सबको आती तो है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ इंग्लिश होती है, लेकिन जो हिंदी में होता है ना, हिंदी में होता है ना, मज़ा आता है हिंदी में सीखने का, तो ज़्यादा समझ आता है हिंदी में, बातचीत भी कर सकते हो हम लोग, तुम्हें कुछ दिक्कत हो कमेंट करना, अच्छे से मैं समझा दूंगा, मुझे नहीं आता होगा, मतलब मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, जो नहीं आता होगा, मेरे को तो पाइथन आती है, मेरे को पता है, पर मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, नहीं आती होगी तो पढ़ के बता दूंगा, तो तुम इसकी टेंशन मत लेना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगला मेरा पहला लेक्चर आएगा, वो देख लेना, ठीक है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।